देखा है जगत ही नहीं चार महीना ना आज धीरे धीरे सात बरस हुई गए हैं। सात बरस बहना सात बरस ए बहना अब हमार तुम्हारे लगत चले वाली नहीं है। अब ऐसा करो हमारे तुम्हारे बस की बात ना है अब चलो यहाँ से चलते हैं। इन बाबा के यहाँ बैठे रहे हाँ जाओ आज सारे उपाय करके सुंदरिया हार जाती है लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। हर उपाय किया है आज धीरे धीरे सात बरस बीत जाते हैं राजकुमार सिद्धार्थ को और क्या हुआ है आज ज्ञान की ज्योति राजकुमार के सिद्धार्थ के मस्तक में जलने लगी है। भगवान बुद्ध ने कठिन परिश्रम और करके खोज लगा भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आज क्या हुआ
इधर जब ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वहीं पर से जब बुद्धि से उन्होंने खोज किया तो बुद्धि से जब खोज उन्होंने किया तो वहीं पर उनका नाम बुद्ध पड़ जाता है। जब बुद्ध पड़ गया और जब तथ्यों को खोजा है तो वहीं पर उनका नाम पड़ जाता है तथागत। और तथागत बुद्ध गौतम, गौतम क्यों कहा जाता है? आजकल गौतम तो सब कहते हैं अपने आप को, लेकिन गौतम वही होता है। गौ माने गया और तम माने अंधकार, जिसके अंदर से अंधकार अंधविश्वास चला जाता है वही गौतम होता है। मेरे बंधुओं, आज एक सुजाता नाम की लड़की थी, स्त्री थी। पहले कभी ये पीपल के पास में आकर के अपनी मनोती मांगी थी कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं खीर चढ़ाने के लिए आपके पास में आऊंगी। तो आज इधर उस सुजाता की मनोती पूर्ण हो जाती है और वो खीर लेकर के उस पीपल वृक्ष के पास में जाती है। लेकिन जब जाती है तो वहीं पर उनको, उस सुजाता स्त्री को, स्वयं भगवान के रूप में बुद्ध मिलते हैं। आज कैसे जाकर के अपना निवेदन करती है। आज बुद्ध आज भगवान बुद्ध के, बुद्ध को पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है तो आप लोग कमेटी वाले भैया, फूल हमने मंगवाए थे, कहाँ है? फूल नहीं आया अब तक। तो आज क्या होता है गौर करना। इधर सुजाता जिस समय बुद्ध तथागत ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वहीं पर रखा ये दूसरी अगर मोमबत्ती लगाओ, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, उनके साथ में पांच पंच भद्र ब्राह्मण थे। और क्या हुआ है गौर करना मेरे भैया। जिन भाई धम बंधुओं को, माताओं बहनों को बुद्ध के चरणों में आना है, फूल चढ़ाना है और दान करना है, इस समय चीवर धारण किए हुए बुद्ध बैठे हुए हैं, वो आ सकते हैं। अगर नहीं पैसा है फिर भी आएंगे, फूल अवश्य उनके चरणों में चढ़ाएंगे और सबसे पहले कमेटी वाले भैया पहुंचेंगे। जिन भाई बंधु माताओं बहनों को आना है, खीर चढ़ाने आई अखिया बोल बोल भगवान। चरणों में तो देर कर रहे हैं सभी लोग। मैं खीर चढ़ाने आई हाथों में भजना लाई, चढ़ाने आई हाथों में भजना लाई, भगवान है।
फूल चढ़ाते जाओ, चरणों में ऊपर नहीं सर पे नहीं। और हमारे भैया दस राष्ट्रीय मुद्राएं भगवान बुद्ध के चरणों में, विजय कुमार गौतम जी की तरफ से भगवान बुद्ध के चरणों में दान होता है। बुद्ध धम्म और सत्य, जय मंगलो। चलते रहो, ये बार बार मौका समय नहीं आएगा। ऐसा है तो फिर भी आओ, लेकिन फूल जरूर चढ़ाओ उनके चरणों में। और हमारे भैया विजय कुमार गौतम दस राष्ट्रीय मुद्राएं भगवान बुद्ध के चरणों में दान किए हैं। मैं खीर खिला
इधर जब ऐसी आवाज उनके कानों में पड़ी है तो जब धीरे 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 उनके नेत्र खुलते हैं, आज कई वर्षों के बाद में नेत्र खुले हैं, तो देखा है सामने हाथों में एक खीर का भरा हुआ कटोरा एक स्त्री लिए हुए बैठी है। आज भगवान बुद्ध से निवेदन किया है कि हे भगवान, हे भगवान आंखें खोलो, मैं जब यहां पर आई थी मनोती मांगी थी तो यहां पर कोई नहीं था, आज मेरी मनोती पूर्ण हुई है, मैं इसलिए खीर लेकर के आई हूँ, ये खीर स्वीकार। पहले तो कोई नहीं था लेकिन आज जब खीर लेकर के आई हूँ तो स्वयं भगवान दिखाई पड़ रहे हैं, ये खीर मेरी स्वीकार करो। आज जब भगवान बुद्ध ने मन में विचार किया है कि अगर इंसान को जीना है तो भोजन की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, भोजन तो करना होगा। आज इस शरीर को चलाना है तो भोजन अवश्य करना पड़ेगा। आज वो खीर का कटोरा आज अपने हाथों में ले लेते हैं भगवान बुद्ध, और वो खीर का कटोरा जब भगवान बुद्ध ने अपने हाथों में लिए है आज चरणों में नतमस्तक होकर के आज सुजाता वहां से प्रस्थान कर देती है। आज भगवान बुद्ध ने मन में विचार किया कि खीर तो प्रसाद के रूप में स्वीकार किया है, आज वो खीर भगवान बुद्ध पीते हैं। आज भगवान बुद्ध ने जब खीर को ग्रहण किया है, बोलिए भगवान बुद्ध की। आज वो कटोरा खीर खाने के बाद में, और जब खीर खाते वो पंचभद्र ब्राह्मणों ने देखा था तो उसने आपस में विचार किया ये कैसा संत है, कैसा सन्यासी है जो एक स्त्री के हाथ से भोजन कर लिया है, इसने अपना धर्म नष्ट कर दिया है, मैं इसके साथ में नहीं रहूंगा। आज वो पंचभद्र ब्राह्मण छोड़ करके वहां से उनको चले जाते हैं। उसके बाद में और भी ज्ञान जब प्राप्त करते हैं, और ज्ञान प्राप्त भगवान बुद्ध जब करते हैं तो मेरे बंधुओं उन्हीं पंचभद्र ब्राह्मणों को पहले भिक्षु बनाते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज वो कटोरा को उठते हैं वहां से आसन से, और उठ करके आज उठ करके भगवान बुद्ध ने उस कटोरे को उसी निरंजना नदी में प्रवाह कर दिया है। बोलिए भगवान बुद्ध की। आज अपने आसन पर फिर बैठ जाती है। आज पूरा का पूरा ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, और जब पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आज मेरे बंधुओं उन्हीं पंचभद्र ब्राह्मणों को भिक्षु बनाते हैं, और उसके बाद में आज उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद में
पंच भद्र ब्राह्मणों को उन्होंने ज्ञान कराया है। बोलिए भगवान बुद्ध की।